हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ट्रिपोड 3120 मॉडल का जो ट्रिपोड है उसके बारे में बताऊंगा, जो कि मैं स्पेशली इसे मलेशिया से मंगवाया हूं, जो कि 49 रुपये, मतलब 49 रिंगेट लगा है। आप यहां पे देख सकते हैं उसका प्राइस भी यहां पे दिया गया है। मतलब यहां पे अगर भारतीय की बात की जाए, भारतीय रेट की, तो आपका लगभग 1400-1500 रुपये पड़ेगा। तो दोस्तों, अभी मैं इसका अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इसमें क्या क्या खासियत है पहले इसको जानते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही बढ़िया ट्रिपोड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि 3-way हेड। इसमें मतलब इसका जो हेड है 3 प्रकार से है, मतलब आप इसको ऐसे करके खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद में सेक्शन लेग भी है, इसमें 3 सेक्शन लेग भी है, क्यूक लेवल लॉक भी है और रबर लेग टिप भी है। मतलब 4 चीज़ें, इसमें 4 फायदे हैं दोस्तों। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। पहले मैंने इसको ओपन कर लिया था, मतलब लाते ही इसको चेक करने के लिए, आज भी मतलब इसको ओपन करूँगा। तो पिछली बार नहीं बना पाया था, तो अब इस बार बना रहा हूँ। तो चलिए इसको पहले निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये मतलब ऐसे कवर एरिया में रहता है, कवर में रहता है। तो उसके बाद में इससे अब इसको निकालना पड़ता है। यहाँ पर निकालने के बाद उसका आकार कुछ इस तरीके से आ जाता है। आप देख सकते होंगे अपने स्क्रीन पर कि मतलब कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है। यही है दोस्तों, इसमें देखिए इसका 3 लेग जो है यहाँ पे दिया गया है। अब आप इसको थोड़ा सा बेंड करेंगे यहाँ पे ऐसे। उसके बाद में इसको करने के बाद में अब सीधा आपको क्या करना होगा, और देखिए ये दोस्तों जो है ये इसको ऊपर लगाया जाता है यहाँ पे, यहाँ पे जो दिया गया है ये, इसमें इसको फिट किया जाता है, क्योंकि इसी के द्वारा मोबाइल में मतलब रिकॉर्डिंग होगी। तो इसको ऐसे राउंडिंग करके आप इसमें फिट कर सकते हैं आसानी से। ये थोड़ा सा अभी मैं इसको फिट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। हाँ तो दोस्तों, यह फिट हो चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अब दिखेगा ये। उसके बाद में अब इसका जो लेग है अब उसको हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। तो उसका लेग बढ़ाने के लिए यहाँ पे कुछ फोल्डिंग दिए गए हैं, वही फोल्डिंग आपको तारना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैं आपको जूम करने की प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ पर जूम करके दिखाने की। अब इसको जो है इसको ऐसे खींचेंगे और ये मतलब इधर इस ऐसे थोड़ा सा बढ़ेगा। कुछ खुल गया है एकदम पूरी तरीके से। उसके बाद में अब आपको इसको स्टैंड करना है। स्टैंड करने के लिए आप ऐसे इसको स्टैंड कर सकते हैं कहीं पे भी, जहाँ पे आपको शूट करना है वीडियो। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्टैंड हो चुका है, लेकिन अभी इसका जो हेड है ऊपर का साइड, उसको भी मिलाना पड़ता है। तो उसको मिलाने के लिए अब यहाँ पर आप जो है ऐसे इसको, मतलब ये जो होता है स्क्रोल अप स्क्रोल डाउन करने के लिए, मतलब इधर उधर भी करने के लिए, लेफ्ट राइट में भी करने के लिए होता है। उसके बाद में अब आप इसको जो है यहाँ पे जो एक बटन बनाया गया है इसको ढील कर दीजिए, ये भी कसा है, इसको ढील करके आप इसको ऊपर और ले जा सकते हैं जितना चाहें, मतलब जितना इसकी कैपेसिटी है आप उतना ऊपर ले जा सकते हैं। उसको ले जाने के बाद अब ये थोड़ा और ऊपर हो जाएगा, अब जो है आपको इसको कस देना है यहाँ से। तो रुकिए, अभी मैं मतलब रोक करके इसको दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि हाथ में कैमरा है ना, इसलिए इसको बनाने में थोड़ी दिक्कत। हाँ तो दोस्तों, ये लगभग बन चुका है, आप देख सकते हैं। अब मतलब इसमें अब एक मोबाइल लगाने की ज़रूरत है, मोबाइल लगाने के बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अब जो ये है, मतलब ये ऊपर नीचे करने के लिए, जैसे कभी कभी होता है शॉर्ट जो होता है नीचे ऊपर लेने के लिए किया जाता है उसको। और इसको राउंडिंग अगर करना है, आपको इधर उधर मतलब घुमाना है थोड़ा कैमरा को, तो आप इसको थोड़ा ढील कर दीजिए, एक कसा है रहता है ऐसे, धीरे धीरे आप मतलब उसमें रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाने वाला हूं अपने मोबाइल के थ्रू। तो रुकिए, अभी मैं अपना मोबाइल लगाने वाला हूं इसमें। मोबाइल लगाने के बाद अभी हम लोग थोड़ा एक वीडियो शॉट करेंगे, वीडियो या फ़ोटो कुछ भी कह जाए, तो उसको शॉट करेंगे। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपना मोबाइल यहाँ पर लगा लिया है, तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये अब रिकॉर्डिंग करने के लिए या फ़ोटो खींचने के लिए, कैप्चर करने के लिए सब रेडी हो चुका है। अब आप देख सकते हैं कि इधर से मतलब
अब दिखाएगा। वैसे तो बादल घेरे हुए हैं इसलिए मतलब फोटो उसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन अगर रिकॉर्डिंग चालू करेंगे या कुछ भी करेंगे तो मतलब वो चीज़ें वहाँ पे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको भी हम ऑन कर दें तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा। और इसका जो है सीन अगर इधर उधर का लेना है तो आपको थोड़ा सा इसको राउंडिंग करना होगा। राउंडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये बटन जो है इसको थोड़ा सा ढील करना होगा, ये कसा है। उसके बाद आप इसको आसानी से इधर उधर मतलब इधर उधर का सीन ऐसे ले सकते हैं। वैसे तो मैं कैमरा रोक दे रहा हूँ। उसके बाद में अब आपको अगर नीचे का साइड का लेना है तो ऐसे नीचे से आप मतलब नीचे का साउंड ले सकते हैं, आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका फ़ायदा यह है दोस्तों, अगर आपके पास ये मतलब ट्रिपॉइड है तो आप आसानी से कहीं पे एक जगह पे मतलब स्टेबल करके कोई भी वीडियो शूट कर सकते हैं। और या आप ट्यूटोरिंग कर रहे हैं, आपके पास घर में कोई नहीं है, आप अकेले करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। या कहीं पे रिकॉर्डिंग करना है मतलब आप अपनी छत पे रख सकते हैं या और कहीं पे रख करके मतलब इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो बढ़िया लगा तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा इसको, ताकि और लोग भी जानें। और उसके बाद में अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं इसको, इसके बारे में और कुछ जानना है। और दोस्तों इसी तरह से और भी कंटेंट चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल बिग बैंग टेक्निकल इन्फो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं इसी तरह से आप सबके लिए एक से एक इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।